नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कुंडली विश्लेषण में एक नई कुंडली हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है, सामने ब्लैक बोर्ड पर है आपके। और ये कुंडली है रितेश कुमार जी की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1991, टाइम है 20:50 क्वाड बिहार। दोस्तों, मेष लगन की कुंडली बनकर के सामने है। केतु इनके तीसरे भाव में है, बुध सूर्य शुक्र गुरु इनके पंचम भाव में है, मंगल जो लग्नेश है इनका वो छठे भाव में है, राहु इनका नवम भाव में है, शनि इनका दसम भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, केंद्र में है। दोस्तों, जो पंच महापुरुष योग में से एक योग, एक राजयोग बना रहा है शश योग। चंद्रमा इनके 11वें भाव में है कुंभ राशि में, तो राशि बनती है इनकी कुंभ और लगन बनता है इनका मेष। दोस्तों, मेष लगन की कुंडली यहाँ पर बन करके तैयार हो गई है। आज हम जानेंगे जो इनके प्रश्न हैं, जॉब से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड, क्या उसका हल इनकी कुंडली में है, आज इस कुंडली में हम जानेंगे। पर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, जो इनका लग्नेश है वो छठे भाव में आकर के बैठ गया है, मंगल। बुध सूर्य शुक्र गुरु, बुध इनका तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, जो बैठ गया है पंचम में। सूर्य इनका पंचमेश है, जो पंचम में ही बैठा है, ये भी बहुत अच्छा बात है। शुक्र इनका जो सप्तमेश है वो भी पंचम में जाकर के बैठा है। गुरु जो नमेश है वो इनके पंचम भाव में, एक बहुत बड़ा राजयोग लेकर के बैठे हैं इस कुंडली में, बहुत बड़ा यह राजयोग है। पंचमेश और नमेश का मिलन वो भी त्रिकोणेश में ही हो रहा है, त्रिकोण भाव में ही हो रहा है पंचम भाव में, तो ये बहुत अच्छा राजयोग है दोस्तों इनके लिए। ये कुछ ना कुछ तो हासिल करेंगे अपनी लाइफ में दोस्तों। और शनि भी यहाँ पर एक पंच महापुरुष योग बना रहा है, जिसका नाम है शश योग यहाँ पर बन रहा है। दोस्तों, जिनकी कुंडली में शश योग बनता है वो लोग बड़े ही हिम्मत वाले होते हैं, जिस काम के लिए ढाल लेते हैं वो पूरा करके छोड़ते हैं, न्यायवादी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, शनि जैसे गुण होते हैं इनके अंदर और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, दूसरों के काम में हमेशा सहायता करते हैं ऐसे लोग। और ये योग इंसान को बहुत कुछ प्राप्त करवाता है। और यहाँ पर अब जो दशा मिली है इनको, शनि की महादशा लग गई है इनकी। शनि की महादशा में ये बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं, क्योंकि शनि शश योग बना करके बैठा है। तो जो भी मैंने शशयोग के गुण गिनवाए हैं वो इनके पूरे होते चले जाएंगे। इनका एक क्वेश्चन है, वो है जॉब से रिलेटेड, के मेरी जॉब स्टेबल नहीं रह पाती, मैं जॉब नहीं कर पाता, ऐसे ऐसे। तो जॉब तो इनकी अब लग ही जाएगी, क्योंकि जो यहाँ से हम नौकरी देखते हैं छठे भाव से, और यहाँ से हम कर्म देखते हैं ज्ञानिक कार्य, और उसी की दशा लग गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर नौकरी का योग तो बनता है इनका, ये नौकरी ही करेंगे, लग्नेश नौकरी के स्थान पर जाकर के बैठ गया है, तो नौकरी तो इनकी स्टेबल हो जाएगी। और शनि इनको कुछ अच्छा दिलवाने वाला है, इनकी पढ़ाई भी बड़ी अच्छी रही होगी, बड़ा हालांकि छठा भाव का स्वामी यहाँ पर आकर के बैठ गया, तो थोड़ी सी हल्की उल्की रुकावट रही होगी इनकी पढ़ाई में, लेकिन ओवरऑल इनकी पढ़ाई अच्छी ही होगी, नौकरी भी इनकी अच्छे स्थान पर लगने वाली है। शनि से रिलेटेड जैसे कार्य हो गया, जैसे वकालत, इंजीनियरिंग, ऐसी कोई कुछ पढ़ाई होगी तो इनके जरूर काम आएगी, अगर इनकी होगी इससे रिलेटेड तो इनके जरूर काम आएगी। और चंद्र जो इनका यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड है वो 11th में जा करके बैठ गया, संपत्ति भी इनके ऊपर, इनके पास अच्छी रहेगी, संपत्ति से रिलेटेड जो भी समस्या है वो इनकी धीरे धीरे हल हो जाएगी। शनि की दशा में शनि इनको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, यहाँ पर
सारी जो समस्याएं इनकी हल हो, जब शनि में चंद्र आएगा यानी कि 2032 तक इनकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। शनि में शनि अभी चल रहा है, फिर शनि में बुध आएगा, 2025 तक इनकी जॉब 100% लग जाएगी, 2025 तक बिल्कुल एकदम ये जॉब पे सेटल हो जाएंगे। उसके बाद जो भी इनकी जितनी भी कमियां हैं वो धीरे धीरे, वो गाड़ी से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो इनकी समस्या हल हो जाएगी शनि की दशा में। बस इनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब शनि में केतु यानी कि 2025 के बाद थोड़ी सी इनको ये थोड़े से बीमार पड़ सकते हैं, तो अपनी जो भी ट्रीटमेंट है वो टाइम से कराएं उस टाइम पर, क्योंकि केतु छोटी ऐसी ऐसी बीमारियां देता है कि वो डॉक्टर को भी नहीं पता चल पाती कि इनको क्या बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पर जब 2025 के बाद थोड़ी सी सेहत में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग अपना। और शादी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जब शादी इनके योग बन रहे हैं, शादी इनकी, और अभी शनि पे से शनि का गोचर जा रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये टाइम, लेकिन शनि इनको बहुत कुछ देकर जाने वाला है अपनी दशा में। शादी इनकी थोड़ी सी लेट दिख रही है, लेकिन 2022 के बाद इनकी शादी भी हो जाएगी, शादी के योग इनके बन रहे हैं, शादी भी इनकी हो जाएगी 2022 के बाद, जब शनि में बुध आएगा तो आपकी शादी की जो भी प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, इनकी कुंडली में मैंने आज आपको बहुत कुछ बताया, फाइनेंशियल से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो, वो इनकी समस्या इसमें शनि की दशा में सारी है, क्योंकि शश योग शनि बना करके बैठा है जो अपने फल इनको जरूर देगा और इनके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। आज बस इतना ही दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।